सो गाइज हेलो एंड वेलकम। सो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये है सेकंड लेसन 10th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखा हमने, पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखा। ठीक है, वो फर्स्ट लेक्चर में। तो अभी सेकेंड लेक्चर में हम क्या देखेंगे, उसके आगे का देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे का पढ़ते हैं। ओके, लास्ट ईयर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद द एंगल्स। ओके, तो लास्ट ईयर हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद द एंगल्स। ओके, 30, 60, 90 and 45, 45, 90 degree। ओके, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था लास्ट ईयर, लास्ट ईयर प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हमने सीखा था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 degree ट्राइंगल। ओके, इफ एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर 30 degree and 60 degree, देन द साइड अपोजिट 30 degree एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ द साइड अपोजिट टू 60 degree एंगल इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनियस। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर नीचे आपको ये एक ट्रायंगल दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, इफ एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 30 and 60, यहाँ पर क्या है, एक एंगल है 30, सेकेंड एंगल है 60। ओके, देन दी साइड ऑफ ऑपोजिट, देन दी साइड ऑपोजिट ऑफ 30 degree एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। ओके, देन दी साइड अपोजिट टू 30, यहाँ पर लिखा है, देन दी साइड अपोजिट टू 30 degree एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस एंड दी साइड अपोजिट टू 60 degree इज दी साइड √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, दी साइड अपोजिट ऑफ 30 degree एंगल इज हाफ। तो ये क्या है, 30 degree एंगल, इसके अपोजिट वाला जो साइड है MN, ये क्या है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। मतलब ये जो हाइपोटेनियस है इसका हाफ ये साइड है। ठीक है, एंड दिस साइड अपोजिट टू 60 degree एंगल, एंड 60 degree एंगल का अपोजिट क्या है, ये है। ओके, तो ये है अपोजिट उसका, तो क्या होगा यहाँ पर, साइड अपोजिट टू 60 degree एंगल इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेनियस। तो ये क्या है, हाइपोटेनियस का √3/2 टाइम्स है। ठीक है, मतलब हाइपोटेनियस है तो ये हाइपोटेनियस जितना है उसका √3/2 है। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे आपको क्या दिया है, सी फिगर 2.2। इन ट्रायंगल LMN एंगल L इज इक्वल टू 30, एंगल N इज इक्वल टू 60 degree एंड M इज 90 degree। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया आपको, एक ट्रायंगल दिया है। तो यहाँ पर ट्रायंगल LMN, ओके, यहाँ पर LMN ट्रायंगल दिया है। तो यहाँ पर L का मेजर कितना है, 30 degree, N का कितना है 60 degree, एंड M जो है उसका मेजर है 90 degree। ओके, साइड ऑपोजिट 30 degree एंगल इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू हाफ इंटू LN। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको क्या बोला है, प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 degree, मतलब क्या, अभी 30 degree है तो इसका ऑपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेनियस से हाफ होता है ना। तो ये यहाँ पर क्या किया है, साइड अपोजिट टू 30 degree एंगल इज इक्वल टू MN। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, MN, एंड MN क्या है, MN इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या है, LN। ओके, तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, MN इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, देयरफॉर हाफ इंटू LN। ओके, अब साइड अपोजिट 60 degree एंगल इज इक्वल टू LM, तो साइड अपोजिट 60 degree एंगल, अपोजिट साइड क्या है 60 degree का, LM। ओके, एंड LM क्या है, √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, इसलिए उन्होंने क्या किया, √3/2 इंटू हाइपोटेनियस LN। ओके, अभी यहाँ पर क्या है, इफ LN इज इक्वल टू 6 centimeter, ये जो LN है ये क्या है, इफ LN इज 6 centimeter, लिख देता हूँ 6 centimeter, इफ LN इज 6 centimeter वी विल फाइंड MN एंड LN। ओके, अभी आपको हाइपोटेनियस का क्या बताया है, यहाँ पर हाइपोटेनियस का ये दिया हुआ है,
लेंथ दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एम एंड एन एल एम जो है उसको हम इजीली ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे ढूंढेंगे, वो एम एन इज इक्वल टू हाफ इंटू एल एन, ऑलरेडी पता है बिकॉज एम एन का वैल्यू क्या है, एम एन इज़ हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज़ एल एन, देयरफॉर एम एन का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। वो तो बहुत सिंपल है, देखो एम एन इज इक्वल टू हाफ इंटू एल एन है ना, तो एम एन इज इक्वल टू हाफ इंटू 6, देयरफॉर 2 3 जाए इज 6, 2 1 जाए 2 एंड 3 1 जाए इज 3, देयरफॉर इसका क्या मिला हमें, 3 सेंटीमीटर मिला। एंड ये जो एल एम ढूंढना कैसे है, एल एम का क्या है, एल एम हाइपोटेनियस का कितना है, अंडर रूट 3/2 है ना, हाइपोटेनियस का इंटू 6 कर देंगे हाइपोटेनियस, देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, √3/2 इंटू 6 कर देंगे, देयरफॉर हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, √3 सेंटीमीटर मिलेगा मिलेगा। ओके, तो मेरे को पता नहीं क्या हो गया है, चलो तो एल एम का क्या मिला हमें आंसर, 3√3, ठीक है। हमें अगर अभी इन्होंने बेसिकली यहाँ पर क्या बोला है, ये स्टेटमेंट में अगर हमें हाइपोटेनियस का ये जो है लेंथ पता है, तो हम एल एम एंड एम एन भी ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला दी गई है, क्योंकि 30 60 90 डिग्री का जो थ्योरम है, प्रॉपर्टी है, उसे हम इसलिए ही निकाला है क्योंकि हमें कुछ भी करना हो तो इजी पड़े। तो आपको एग्ज़ाम में क्या आएगा, मोस्टली सम पूछेंगे, उसमें आपको इसका ये दे देंगे, क्या मेजर दे देंगे हाइपोटेनियस का, ओके, एंड आपको बोलेंगे ये 30 60 90 प्रॉपर्टी एंगल है, 30 60 90 डिग्री का ट्रायंगल है, तो आप इसको क्या करो, इसके हेल्प से आप ये जो मेजर है इसका हाइट एंड बेस ढूंढ के निकालो, ओके। तो आपको क्या करना है, इजीली इसका जो फॉर्मूला है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, ओके। आप अभी एक याद कर लो स्टेटमेंट कि 30 जो है, ये 30 है, इसका ऑपोजिट इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, ओके, एंड 60 है, 60 इज 3√3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, इतना याद कर लो। तो आप एग्जाम में क्या करोगे, यहाँ पर लिखा है इस तरह से फॉर्मूला लिख दोगे, क्यों, 30 mn इज इक्वल टू हाफ इंटू एल एन, जैसे बिकॉज ये हाफ है ना, एंड अगर आपको क्या ढूंढना है, हाइट यानी एल एम ढूंढना है, तो आप कैसे लिखोगे, एल एम इज इक्वल टू √3/ln, ठीक है, इतना आप याद कर लो। तो वहाँ पर एग्जाम में आपको शायद ए बी सी भी दिया होगा, तो आप क्या कर देना, एल एम इसे ए बी को सब्सटीट्यूट कर देना, वो तो आपको बहुत ईजी से आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमें क्या दिया है, और एक प्रॉपर्टी दिया है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 डिग्री तरह, ओके। इफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो अभी यहाँ पर क्या पूछा है, अभी यहाँ पर क्या बताया है, इफ एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, एंड इसका जो ये है क्या एक्यूट एंगल है, ये 45 है एंड ये 45 है, देन ईच ऑफ दी परपेंडिकुलर साइड्स इज 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, ओके। तो अभी यहाँ पर क्या बताया है, अगर एक्यूट एंगल राइट एंगल के एक्यूट एंगल्स आ 45 45 डिग्री, देन दी परपेंडिकुलर साइड इज, अभी यहाँ पर परपेंडिकुलर साइड क्या है, ये परपेंडिकुलर साइड है, ओके, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर साइड है, इज 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस, ओके। तो हमने पीछे कैसे देखा था, 30 का ऑपोजिट इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, एंड जो उसका हाइट है वो क्या था, √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, 1/√2 टाइम्स दी हाइपोटेनियस, ओके। तो अभी यहाँ पर क्या है, सी फिगर 2.3, ये है 2.3, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, अभी इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ सॉरी 1/√2 इंटू वाई जेड, जेड वाई, ओके। तो एक्स वाई, ये है एक्स वाई इज इक्वल टू 1/√2 इंटू जेड वाई, तो अभी यहाँ पर क्या है, ये है एक्स वाई एंड इज इक्वल टू 1/√2 इंटू जेड वाई, ओके। इन्होंने क्या बोला,
ये जो परपेंडिकुलर साइड है ये एंड ये परपेंडिकुलर साइड क्या है, हाइपोटेनियस के 1/√2 है। तो आपको अगर परपेंडिकुलर साइड निकालने बोला तो आप क्या करोगे, 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस कर दोगे। एंड ये क्या है, एक्स और एक हाइपोटेनियस और एक परपेंडिकुलर है यहाँ पे हमारे पास, तो एक्स जेड इज इक्वल टू 1/√2 इंटू जेड वाई। ओके समझे, तो इस तरह से आपको ये कर देना है, ढूंढना है 45 45 90 डिग्री का। तो अभी आगे क्या दिया है, देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, देयरफॉर परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर साइड इज इक्वल टू 1/√2 इंटू जेड वाई। ओके, तो अभी इन्होंने क्या बताया है यहाँ पे, तो ये एंड ये इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। अभी यहाँ पर इन्होंने कंडीशन भी दिया है, इफ जेड वाई इज इक्वल टू 3√2। अभी यहाँ पर क्या है, जेड वाई ये जो है हाइपोटेनियस, दिस इज 3√2, देन वी विल फाइंड एक्स वाई एंड एक्स जेड। तो हम क्या ढूंढेंगे, एक्स वाई एंड एक्स जेड ढूंढेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर कैसे ढूंढेंगे इसका, इन्होंने एक इसमें लिखा है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड इक्वल टू 1/√2 इंटू 3/√2। क्यों, बिकॉज ये जो है हाइपोटेनियस का वैल्यू है। ओके, यहाँ पर हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है, 3√2। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो ये √2 गया, ये √2 गया, देफो 1 इंटू 3, देफो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इसका आंसर मिला। ओके, तो ऐसा है। तो अभी यहाँ पर आपको क्या बोला है, इन 7th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड थ्योरम ऑफ पाइथागोरस यूजिंग एरिया ऑफ 4 राइट एंगल ट्रायंगल एंड अ स्क्वायर। ओके, वी कैन प्रूव द थ्योरम बाय एन अल्टरनेटिव मेथड। ओके, तो ये थ्योरम जो है हम एक अल्टरनेटिव मेथड के जरिए भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी आज तो हमने इतना पढ़ लिया, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट यानी नेक्स्ट लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, आगे वाला इसके पढ़ेंगे जो है सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये सब हमें पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, ये एक छोटा वीडियो था। एंड अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, अगर आपको कोई कुछ सजेशन करना होगा, सजेशन देना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में दे दो। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ। तो बाय बाय।